Assalamualaikum, sixth class. Today we will start chapter number 2 of geography. Our topic is deserts and semi-deserts and scrub land. ठीक है, chapter's name is climatic region of Pakistan. अगर हम climatic region की बात करें तो climatic region क्या है? Climatic region is basically an area in which similar climate characteristics are observed. यानी कि वहाँ पे जो climate है उसके जो characteristics हैं वो same होते हैं. तो what is climate? ये define climate. Climate क्या है? Climate is the average condition of the weather at a place usually over a period of years. यानी कि एक पीरियड ऑफ ईयर्स के लिए, ठीक है, जो वहाँ का वेदर है या कंडीशन है, एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर है, दैट इज़ नोन एज अ क्लाइमेट. तो आज हम देखेंगे क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. इंट्रोडक्शन में अगर हम जाएँ क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, तो मुस्लिम वर्ल्ड में जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं वो बेसिकली जो है वो 8 हैं. नंबर 1 इज़ डेजर्ट, सेमी डेजर्ट एंड स्क्रब लैंड, ट्रॉपिकल ग्लास लैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट डेजर्ट्स, मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन्स, टेम्परेट ग्रास लैंड एंड मूनसून रीजन्स. टुडे वी विल डू टू टॉपिक्स, डेजर्ट, सेमी डेजर्ट एंड स्क्रब लैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द डेजर्ट. डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट इज बेसिकली अ बैरन एरिया ऑफ लैंडस्केप विद लिटिल प्रेसिपिटेशन अकर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली लिविंग कंडीशन आर हॉस्टाइल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. ठीक है, एक बैरन एरिया, बंजर जमीन का एरिया होता है जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, ठीक है, और वहाँ पे लैक ऑफ वेजिटेशन होती है. इस वजह से वहाँ पे एनिमल्स या प्लांट्स की लाइफ भी बहुत कम होती है. अबाउट 1/3 ऑफ द लैंड सर्फेस ऑफ द वर्ल्ड इज एरिड और सेमी एरिड. दिस इंक्लूड्स मच ऑफ द पोलर रीजन्स वेयर लिटिल प्रेसिपिटेशन अकर्स एंड विच आर समटाइम्स कॉल्ड पोलर डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट्स. ठीक है, डेजर्ट्स की भी अगर हम बात करें तो डेजर्ट्स को भी जो है वो आप उनकी प्रेसिपिटेशन रेट्स के हिसाब से आप उनको डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज में क्वालिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं. डेजर्ट्स जो हैं, डेजर्ट्स का क्लाइमेट कैसा होता है? द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट इज़ हॉट बिकॉज देयर इज़ ऑलमोस्ट नो रेनफॉल. बारिशें नहीं होती इसलिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो मुश्किल होता है. और अगर हम वर्ल्ड मेजर डेजर्ट्स की बात करें जो मुस्लिम कंट्रीज़ में है, तो 3/4 जो है वो मेजर मुस्लिम कंट्रीज़ में डेजर्ट्स हैं. एग्जाम्पल्स, नंबर 1 आपका सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका है, नंबर 2 द थर्ड डेजर्ट इन पाकिस्तान, नंबर 3 द सोमाली डेजर्ट इन अफ्रीका, नंबर 4 द कैजल कुम इन उज़्बेकिस्तान एंड नंबर 6 इज़ दुश्त लूत इन ईरान. ठीक है, द मुस्लिम वर्ल्ड सीम्स टू हैव बीन अलॉटेड मोर देन इट्स शेयर ऑफ डेजर्ट. 3/4 जो मेजर डेजर्ट्स हैं वर्ल्ड के वो मुस्लिम टेरिटरीज में हैं, और मेजर जो डेजर्ट्स थे उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं. सेकेंड आपका सेमी डेजर्ट एंड स्क्रब लैंड है. सेमी डेजर्ट या स्क्रब लैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेन जो है वो ओकेजनल रेन होती है, यानी कि वेरी स्मॉल होती है, बट नॉट इनफ फॉर क्रॉप्स टू ग्रो. बारिश होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप जो है वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकें. जैसे कि ऑर्डिनरी डेजर्ट्स होते हैं, यहाँ पे डे टाइम में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, गर्मी होती है, और रात को जो है रातें ठंडी होती हैं. ठीक है, कोर्स टफ प्लांट्स एंड श्रब्स ग्रो एट दीज, हैव लॉन्ग रूट्स विच गो डाउन टू एवर वाटर एग्जिस्ट बिलो द सर्विस. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे उग सकते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी रूट्स जो हैं वो इतनी बड़ी होती हैं, अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर जो है वो उनकी रूट्स होती हैं कि वो ज़मीन के अंदर से जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, चाहे जितना भी नीचे पानी हो वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं और उसको यूज़ करती हैं. देयर ओनली रियल यूज फॉर एग्रीकल्चर इज़ फॉर वेंडरिंग एनिमल्स. ठीक है, अगर आप वहाँ पर क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर भी रहे हैं तो वो किस लिए ग्रो कर रहे हैं? एनिमल्स के लिए, और बहुत ही कम होती हैं क्रॉप्स वगैरह भी. और वहाँ पे एनिमल्स कौन से होते हैं? गॉड्स एंड शीप. और इनका जो वूल है, इन एनिमल्स को जो वूल है वो आपका यूज़ होता है फॉर द मेकिंग ऑफ कारपेट, यानी कि कारपेट इंडस्ट्री को भी जो है वो ये आपको बेनिफिट देते हैं. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर सेमी डेजर्ट, फॉर एग्जाम्पल थर एंड थल. आप पाकिस्तान के कौन से पार्ट्स हैं वो इसमें हैं, सेमी डेजर्ट या स्क्रब लैंड में हैं? थर और थल के जो एरियाज़ हैं आपके वो सेमी डेजर्ट और स्क्रब लैंड में हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडे टॉपिक.